पीजीटी अभ्यर्थियों की तरफ से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा से मुलाकात की गई और ये मांग की गई है कि कहीं ना कहीं जो उनका एग्जाम है वो कराया जाए, इसको लेकर के बार बार पैटर्न चेंज किया जा रहा है। हमारे साथ अभ्यर्थी हैं, उनसे जानते हैं, आपका नाम आप बताइए और क्या आपने अपना विषय जो है पीजीटी की इस परीक्षा को लेकर के रखा है। सर, मेरा नाम राहुल दैया है और हम समस्त हरियाणा से जो है पीजीटी अभ्यर्थी यहाँ आए थे सर से मिलने के लिए। हमें मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है सर, क्योंकि 2019 में जो है ये भर्ती निकली थी इलेक्शन से पहले, उस टाइम पर इलेक्शन का हवाला देकर भर्ती नहीं पूरी की गई। 2021 में इन्होंने इसको रीएडवर्टाइजमेंट किया, 2021 के लास्ट में दिसंबर में इन्होंने फिर से इसको रीएडवर्टाइजमेंट किया, 2022 में जो है एचएसएससी चेयरमैन को बोला गया कि भाई जो है उनके द्वारा कहा गया कि ये भर्ती हम कंप्लीट कर देंगे और अब एग्जाम होगा। फिर अगस्त 2022 में इन्होंने क्या किया कि जो है एचएसएससी से लेके ये भर्ती एचपीएससी को दे दी कि बी ग्रुप की भर्ती है, एचपीएससी को दी जाएगी। उसके बाद एचपीएससी ने इसको एडवर्टाइज किया, नवंबर में जो है एडवर्टाइजमेंट हुई, अभी नवंबर 2022 में। दिसंबर में उन्होंने हमें पैटर्न दिया कि इस पैटर्न पे ये भर्ती पूरी होने वाली है, लेकिन और फरवरी में इसका एग्जाम हो जाएगा। लेकिन अभी 16 मार्च को इन्होंने एक और नोटिस जारी किया कि ये पैटर्न हमने विड्रॉ कर लिया है, अब नए पैटर्न पर भर्ती होगी। तो सर, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी जो है जॉब से छुट्टी ले लेके तैयारी कर रहे हैं, कुछ बेरोजगार घर बैठे इसकी तैयारी कर रहे हैं कि भाई इस उम्मीद से कि भर्ती पूरी होगी, 5 साल हो गए अब तो इस भर्ती को, लेकिन भर्ती पूरी करने की मंशा इनकी नहीं है और लगातार ऐसे ही चला आ रहा है कि जो है अब ये कर दिया अब वो कर दिया, कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं है इनके पास। अब जो पैटर्न था उसको भी चेंज करने के लिए कि जो है अब हम डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लेंगे, तो ये बार बार जो चेंजमेंट हो रहे हैं, हम ऑलरेडी एस्टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि अगर वैसे फॉर्म अप्लाई करवाए जाएं तो 2 लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई कर देंगे, लेकिन एस्टेट कैंडिडेट पास हैं, सिर्फ 10,000 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए हैं, उनका ही एग्जाम लेना है। लेकिन उसमें भी इन्होंने जो है अलग अलग कंडीशन, आपने देखा होगा एडीओ भर्ती में क्या हुआ था, 600 पोस्ट थी उसमें से 50 इन्होंने भरी थी, तो नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे अभ्यर्थियों को रोका जाए उससे कि कैसे। लेकिन ये बात आप विपक्ष के नेता के पास करने के लिए आए हैं, सत्ता पक्ष के नेता के पास भी आप जा सकते हैं। सर, सत्ता पक्ष के पास भी हम गए थे, पहले हमें टाइम नहीं दिया जाता कि भाई नहीं मिलेंगे, हम जैसे भी अधिकारियों से मिलने की कोशिश करते हैं, हम उनके पास भी कई बार गए हैं, खुद एचपीएससी भी हम जाते हैं, लेकिन वो कोई भी शर्त मानने को तैयार नहीं है। आप बताइए। मेरा नाम प्रवीण सोनी है और हम सभी अभ्यर्थी पूरे हरियाणा से आए हुए हैं, हम बहुत बार आ चुके हैं, हम सत्ता पक्ष के पास जा चुके हैं, हम बार बार उनको समझा चुके पास गए, हम कंवरपाल गुर्जर जी के पास, हम एजुकेशन मिनिस्टर के पास कम से कम हम 5 बार जा चुके हैं, दुष्यंत चौटाला जी के पास हम जा चुके हैं, सीएम से हमने टाइम लेने के लिए बहुत प्रयास किया लेकिन हमें आज तक टाइम नहीं मिला। तो मेन मुद्दा हमारा ये है, हम पिछले चार साल से कभी एचएसएससी में जा रहे हैं, कभी एचपीएससी में जा रहे हैं, जब लास्ट में ये सरकार ने फाइनल कर दिया कि हम एचपीएससी ही हमारी भर्ती करेगा और इस पैटर्न से करेगा, क्या ये पैटर्न एचपीएससी ने जारी नहीं किया था? ये एचपीएससी ने पैटर्न जारी किया था और अब वो कह रहे हैं कि इसको विदड्रॉ कर लेंगे, और कब कर लेंगे? जब अभ्यर्थी परीक्षा के इंतजार में है कि आज परीक्षा की डेट आएगी, कल आएगी, क्योंकि इन्होंने टेंटेटिव डेट फरवरी में दी थी, अब फरवरी जा चुका है, मार्च भी जा चुका है, ये परीक्षा कब करेंगे या करेंगे ही नहीं, हमें तो लगता है ये करेंगे ही नहीं। अब विड्रॉ कर लिया था, पैटर्न विड्रॉ कर लिया इन्होंने, और पैटर्न विड्रॉ का मतलब हमने सुनने में ये आ रहा है कि दैनिक सवेरा जैसे न्यूज़पेपर है और भी न्यूज़पेपर भास्कर है वगैरह वगैरह जो भी है, उनसे हमें सुनने में आ रहा है कि अब ये पैटर्न बदल के जो ऑब्जेक्टिव एक पेपर होता था, क्योंकि प्री तो हम एचटेट दे चुके हैं ऑलरेडी, हम प्री दे के आ चुके हैं ना, इसमें छटनी तो वहां हो चुकी है हमारी, अब जो ये आएगा नया पैटर्न उसमें पहले ये प्री रख रहे हैं, उसको पता नहीं वो क्वालिफाई नेचर या नहीं है, उसके बाद एक लिखने वाला पेपर जो बच्चे हाथ से लिखते हैं सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव उसको कह लो, वो रखा जाएगा, ये हमारी संभावना है, ये हमें समाचार पत्रों में साफ लिखा आ रहा है। तो अगर ये लिखना है तो प्री तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, फिर हमारा प्री फिर मेन, तो कल को आपको पता नहीं कहां से आएगा सपना पेपर के टाइम पे, इनकी तो रेस भी रख दो, 2.5 किलोमीटर की रेस रख दो, ये कोई सिस्टम थोड़ा ना होता है। अगर ये गलत किया आपने तो आपने उस टाइम पैटर्न जो दिया वो क्यों दिया? अगर ये गलत था, इसमें कुछ गलत था, वो तो एचपीएससी ने दिया था ना, हमने तो नहीं दिया था वो, जब हम 6 महीने से साल से इनके द्वारा दिए पैटर्न से तैयारी कर रहे थे, तो अचानक ये क्या हो गया कि इसको उठा लो? सर, पीजीटी भर्ती जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि हरियाणा में ही होती है, ऑल ओवर इंडिया होती है, सेंट्रल लेवल के 2 एग्जामिनेशन होते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन करता है, नवोदय विद्यालय करता है, उनकी जस्ट अभी केवीएस की परीक्षा हुई थी, वो भी सिर्फ एक परीक्षा लेते हैं, उसके बाद जो है इंटरव्यू होता है और सिलेक्शन हो जाता है, सेम ऐसे ही एनवीएस में होता है, DSSSB में होता है, जो दिल्ली सबऑर्डिनेट बोर्ड लेता है, लेकिन यहाँ पे हम पहले एस्टेट देते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एस्टेट भी सिर्फ जो है हरियाणा में ही होता है पीजीटी लेवल के लिए, पीजीटी लेवल के लिए और कहीं जो है ये क्वालिफाइंग एग्जाम नहीं होता है, हम यहाँ वो भी देते हैं, वो क्वालिफाई करने के बाद जिसका रिजल्ट 2-3% ही रहता है, तो ये सब करने के बाद जो है हम यहाँ पे आए हैं, फिर हमें और बैरियर्स लगा दिए जाते हैं कि ये भी करो, लगातार बैरियर्स लगाए जा रहे हैं। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? सर, हम चाहते हैं कि पीजीटी भर्ती टाइम से जल्दी से हो, क्योंकि हम इसकी तैयारी काफी टाइम से कर रहे हैं, कभी एचएसएससी को दी जाती है भर्ती, कभी एचपीएससी को, कभी इसका पैटर्न बदला जाता है, कभी इसको विड्रॉ कर लिया जाता है। बस यही है सर कि जल्द से जल्द ये भर्ती हो और जो पैटर्न दिया था उसी के बेस पे एक ही एग्जाम हो, ऑब्जेक्टिव, बस यही है। जल्द से जल्द भर्ती होनी चाहिए, पैटर्न जो है अब इससे आगे ना बदले, और जो बात छात्र यहाँ पर परेशान होकर कह रहे हैं कि अब इस पीजीटी भर्ती के अंदर कहीं फिजिकल टेस्ट लेने को लेकर के ख्याल सरकार को ना आ जाए, इसलिए कम से कम समय रहते हुए जो फैसला किया जाए उसी फैसले के अनुसार अब एग्जाम होना चाहिए और ये भर्तियाँ होनी चाहिए, इसको लेकर के तमाम जो छात्र हैं वो अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कब तक उन्हें ये नौकरियाँ मिल पाएंगी, कब तक वो क्वालिफाई नौकरियों के लिए हो पाएंगे, ये सवाल अभी बरकरार है। तो वहीं विपक्ष के तौर पर अगर हम बात करें तो करीब 2 लाख भर्तियाँ, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने अभी हमें बताया कि 2 लाख भर्तियाँ ऐसी हैं जो सरकारी भर्तियाँ हैं जिन पर अभी तक सरकार की तरफ से एग्जाम करा करके